हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट प्रिटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश ए और आयरलैंड ए के बीच में होने वाले T20 मैच की, जो कि यहां पर तीसरा T20 मैच होगा। और यहां पर आपको बता दूं कि ये मैच थोड़ा रिस्क रहेगा और यहां पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो फ्रेंड, यहां पर बांग्लादेश और आयरलैंड की टीम में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके एग्जैक्ट प्लेइंग 11 आपको बनाकर नहीं दी हुई है। तो फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इस मैच में कम इन्वेस्ट करना है और कम हिसाब से हमने खेलना है। तो फ्रेंड, पहले बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश और इसके जो मैच है, इसमें ड्रीम इलेवन की टीम जो मैंने यहाँ पर बनाई है, और मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पर क्या चेंजेज हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने रखा है 500 रुपये का गिव अवे कॉन्टेस्ट, जहाँ पर कि आपको 10 विनर को 50 रुपये पेटम कैश दिया जाएगा, जो कि रैंडमली यहां पर सिलेक्ट होंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है कि कमेंट करना है और अपना एक पेटीएम नंबर यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो फ्रेंड, यहां पर बात करते हैं तो इस टीम की, तो मैंने यहां पर मिथुन को लिया है एज ए विकेट कीपर, जो कि यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। सौम्या सरकार को लिया है यहां पर बांग्लादेश की तरफ से, एंड यहां पर थॉम्सन को लिया, पोर्टरफील्ड को लिया, एंड ऑलराउंडर मैंने लिया सैफुद्दीन को, साथ में मैक ब्रायन को, सिमी सिंह को, और यहां पर चार बॉलर के साथ यहां पर उतरा हूं से नैमिन हसन एंड डैनली, साथ में इस्लाम एंड डॉकरेल। तो फ्रेंड, ये होगी प्लेइंग ड्रीम इलेवन की टीम। और यहाँ पर कैप्टन किया मैंने मैक ब्रायन को, एंड वाइस कैप्टन किया मैंने यहाँ पर सिमी सिंह को। तो फ्रेंड, बहुत ही यहाँ पर बेस्ट और बैलेंस टीम है, तो आप इस टीम के साथ यहाँ पर उतर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको और ऑप्शन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन प्लेयर इस मैच में वापस आ सकते हैं बांग्लादेश की टीम में। तो फ्रेंड, पहले तो यहाँ पर नरुल हसन की टीम में वापसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मैच बचे हैं, नरुल हसन ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला, यहाँ पर नरुल हसन टीम में आ सकते हैं। यहाँ पर फैजल महमूद भी स्क्वाड में है और यहाँ पर सैफ हसन भी स्क्वाड में है, तो दोनों में से कोई भी यहाँ पर टीम में आ सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर बता दूं मैं आपको, जेम्स सेनन भी टीम खेल सकते हैं और यहाँ पर पोर्टरफील्ड की जगह पर खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोर्टरफील्ड का खेलना इस मैच में श्योर नहीं है, क्योंकि इनके बल्ले से अभी तक ज़्यादा खास रन निकले नहीं है। और बाकी यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन है, मुझे कोई चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। एंड यहाँ पर संजमुल इस्लाम को इस मैच में मौका मिल सकता है, आपको ग्रैंड लीग में बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे संजमुल इस्लाम, आप उसको ग्रैंड लीग में अपनी टीम में रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको बता दूं, खालिद अहमद को आप रख सकते हैं, एंड यहाँ पर ट्रेवन कैन को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको ग्रैंड लीग में बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपको साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अभी ड्रीम इलेवन में लॉस में चल रहे हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।